हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा, मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। अभी गर्मी का मौसम तो आ चुका है, तो अभी आम का अचार भी बनाना जरूरी है, क्योंकि पूरे साल का हम लोग इसमें बंदोबस्त करके रखते हैं। अचार तो हमारे इंडिया का एक कल्चर ही समझो, क्योंकि लोग पता है ना, जब फॉरेन कंट्री में जाते तब भी अचार जरूर माँ पैक करके भेजती है। तो आज हम अचार बनाने जाएंगे, 12 महीने तक उसको कुछ नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आम का अचार कुछ चीजें हमें बहुत ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो जो भी हम बर्तन यूज करें वो साफ सुथरे होने चाहिए, एकदम गर्म पानी में धोए हुए और सुखाए हुए एकदम अच्छे होने चाहिए। जब भी आप अचार उसमें से निकालो, तब भी जो आप स्पून यूज करते हो, चम्मच यूज करते हो, वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए और गंदे हाथ न लगे, ये भी ध्यान रखना है। और अगर आप अचार को सही तरीके से बनाना चाहते हो, तो जब आप उसको रखते हो तो ये ध्यान रखिए कि जो उसमें तेल डालते हैं हम लोग, सरसों का तेल आप यूज़ कीजिए और जो सरसों का तेल आप डालते हो उसको थोड़ा गर्म करके और ठंडा करके डालो। एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो कैरी है, हमारा अचार है, वो तेल से कम आधा इंच नीचे तक रहनी चाहिए। मतलब तेल इतना डालना है उसमें कि वो आधा इंच तक ऊपर रहे। इससे हमारा अचार खराब नहीं होगा और हम 12 महीने तक इसको आराम से यूज कर सकते हैं। और घर का अचार वो तो खाने का टेस्ट ही अलग रहता है, बाहर के कंपेयर में घर का तो अच्छा ही लगता है। तो हम देखते हैं कि कैसे बनाना है ये अचार। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी। प्लीज वॉच टिल एंड। थैंक यू फ्रेंड्स। अचार बनाने के लिए हमने 3 कैरी ली है, ये अराउंड 1 kg के आसपास है। और ये देखिए राउंड में है ये कैरी, ये अचार बनाने के काम आती है। और इनको हमने एकदम अच्छे से धो के साफ करके और सुखा दिया है। और इसके लिए जो बर्तन हम लोगों ने लिए हैं वो भी एकदम पानी से दूर ही रहे हैं, मतलब एकदम साफ करके उसको सुखा दिया है, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं। चाकू या बर्तन कुछ भी आप लो, तो एक चीज ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए उसमें और किसी तरह की गंदगी नहीं रहनी चाहिए, एकदम ही साफ होने चाहिए ये बर्तन। तो ये सबसे पहले हम कैरी को, ये तीनों कैरियों को हम लोग काटेंगे एक एक करके। बहुत ही ध्यान से काटना है इसको, आपको जितने बड़े पीसेस इसके लिए चाहिए आप उस हिसाब से उसको काट सकते हो। आप ये देखिए, मैंने इस पोर्शन को नहीं काटा है, ओके, इसको आप अलग से निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, ये कैरी काट के मैंने रख दी है। अब इसको हम एक बर्तन में डालेंगे और इसमें हल्दी और नमक मिक्स करेंगे। ये मैंने 20-20 ग्राम लिए है हल्दी और नमक, कम से कम 2 टेबलस्पून, 2 to 1/2 टेबलस्पून। अब इसको हम इसमें मिक्स करते रहेंगे एक जार में। ध्यान रखिए ये जार एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ किया हुआ, ड्राई। ये चीनी मिट्टी का जार है, आप इसमें डाल सकते हो या फिर आप किसी प्लास्टिक या कांच के बर्तन में भी डाल सकते हो। ये मैंने आधी कैरी पहले डाली है। अब इसमें हम थोड़ी हल्दी मिक्स करेंगे, एक बार थोड़ी ही करेंगे, और थोड़ा नमक में। ये हमने आधी कैरी डाली है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें बची हुई कैरी भी डाल देंगे हम। और बाकी की हल्दी और नमक भी मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इसको
थोड़ा ऐसे इस तरह से हिला सकते हैं। इसको हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे एक दिन के लिए इसको ढक के रखेंगे। एक दिन के लिए हमें इसको ढक के रखना है ताकि इसका पूरा फ्लेवर आ जाए, इसमें हल्दी और नमक एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, कैरी को हमने कल हल्दी और नमक में अच्छे से मिला के रख दिया था। कम से कम 12 घंटे हो गए हैं इसको। अब हम इसको निकालेंगे, इसमें से एक बर्तन में निकाल देंगे और फिर इसको सुखाएंगे। आपके घर में अगर धूप आती है तो आप धूप में भी सुखा सकते हो या फिर पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो। तो हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आने देंगे और अच्छे से निकाल के बाउल में डाल देंगे। देखो बहुत अच्छे से कलर चढ़ गया है कैरी पर। हमारी बालकनी में धूप तो आती है परंतु आजकल वहां पर कबूतरों का डेरा है, तभी मैं वहां पर बिल्कुल जा ही नहीं पा रही। ये देखिए हमने कैरी पूरी निकाल दी है, कितना अच्छा कलर आ गया इस पर। और ये देखिए पूरा हल्दी का पानी है, इसमें हल्दी और नमक का इतना पानी कैरी में से निकला है। तो अब हम इन कैरियों को न्यूज़पेपर पर सुखा देंगे। मैंने न्यूज़पेपर लिया है और उस पर सुखाने वाली हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये कैरी जिस तरह से सूख रही है उसे देखकर लग रहा है कि अरे हम फिर से अपने घर पे पहुंच गए हैं। आई एम मिसिंग माई मम्मा। मम्मी ऐसे ही अचार बनाती है तो आज उनके ही हाथ की रेसिपी है ये। तो अभी इसको हम पंखे के नीचे सूखने के लिए रखेंगे। कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं उसको। फ्रेंड्स, ये कैरी हमने सुखा ली है 2 घंटे पंखे के नीचे। इसका पानी सूख चुका है और ये हमने अभी कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो कि हम इसमें मिक्स करने वाले हैं। तो ये ऑयल लिया हमने 1.5 कप जितना ऑयल लिया है। सॉल्ट लिया है 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें नमक डाल चुके हैं हम लोग। और ये फेन्युग्रीक सीड्स है, मेथी दाने, ये मैंने 50 ग्राम तक लिए हैं। और सौंफ मैंने 30 ग्राम तक ली है। कलौंजी ये 20 ग्राम है। और लाल मिर्ची पाउडर ये 3 टेबल स्पून है। और जीरा 2 टेबल स्पून, मतलब अराउंड 20 ग्राम तक ये मैंने लिया है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा जीरा डाल देंगे, ये सौंफ डाल देंगे और मेथी डाल देंगे और उसको से थोड़ा सा भूनेंगे। उसका कलर, इसमें से सिर्फ नमी हमें निकालनी है, इसका कलर ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। बस ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा उतना ही हमें इसको गर्म करना है। ये देखो ये हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे ताकि और गर्म ना हो। और ये ठंडा होने पर हम इसे पीस लेंगे। याद रखिए इस मसाले को हमें एकदम बारीक नहीं पीसना है, इसको सिर्फ दरदरा करना है हमें। तो जस्ट मिक्सी में एक बार चला लेंगे। फ्रेंड्स, ये अभी एकदम ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्सी में डालेंगे और एकदम हल्का सा चलाएंगे, सिर्फ इसे दरदरा करना है हमें। ये देखिए इसको एकदम बारीक नहीं किया हमने, एकदम दरदरा किया है। अब हम एक पैन को गैस पर रखेंगे मीडियम आंच पर और हम इसमें ऑयल डालेंगे। सरसों का तेल लिया है हमने, 1.5 कप जितना ही हमने इसमें डाल दिया। इसको हल्का सा गर्म करना है हमें, ज्यादा गर्म नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा इसमें से धुआं निकले इतना ही गर्म करना है। ये तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, इसे ज्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इसमें ये कैरी डाल देंगे
हमारा ये मसाला डाल देंगे पीसा हुआ, कलौंजी डाल देंगे, मिर्ची पाउडर, ये मिर्ची कश्मीरी मिर्ची है इसलिए ज्यादा तीखी नहीं है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और ये नमक डाल देंगे। अब हम इसे एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये पूरी तरह से कोट नहीं हो जाता है। कैरी को एकदम अच्छे से मिक्स करना है और ध्यान रखना ये सारे बर्तन साफ धोए हुए होने चाहिए और एकदम सूखे हुए। फ्रेंड्स ये मसाला एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखो कितना सुंदर कलर है, ऐसे लग रहा है अभी खा ले। बट पहले हम इसको कम से कम 3-4 दिन तक ऐसे ही रखेंगे, बट बीच बीच में आप इसको चलाते रहिएगा। और उसके बाद हम इसमें फिर से थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम करके, और ऑयल इतना ही डालना है कि वो पूरा कैरी अंदर तक रहे, ज्यादा बाहर ना हो, तो वो डूबी रहनी चाहिए उसके अंदर। तो इतना ऑयल हम लोग बाद में इसमें फिर से मिक्स करेंगे कम से कम 3-4 दिन के बाद, और उसके बाद भी आपको चलाते रहना है। और 10 दिन में आपका अचार, 10 से 15 दिन लगते हैं एक्चुअली, तो 10-15 दिन में आपका अचार तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इसमें डाल दिया है अचार को, और अब हम इसको एक कपड़े से ढक देंगे, इस तरह से आप ढक सकते हो इसको, और एक रस्सी की सहायता से इसके कॉर्नर्स को बांध देंगे हम। ये हमें 3 दिन के लिए बांध के रखना है इसको इसी तरह से, और बीच बीच में हिलाते रहना है। और इसको ढक के हम अच्छे से रख देंगे। फ्रेंड्स 5 दिन तक हमने इसको ऐसे ही रखा था, और इसको रोज हिलाते रहे थे हम लोग, मिक्स करते रहे थे अच्छे से। और अभी इसमें हमने 1 कप जितना गरम गुनगुना सरसों का तेल डाल दिया है, और ये 10 दिन में एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी भी ये खाने के लिए तैयार है, किसी किसी को ऐसे भी खाना अच्छा लगता है, तो नाउ ऑल्सो इट्स रेडी टू ईट। सो 10 दिन में एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, और ये 12 महीने तक इसको कुछ नहीं होने वाला है। बस इस चीज का ध्यान रखो कि अभी जो आप 5 दिन बाद जो इसमें ऑयल डालोगे वो कैरी से कम 1/2 इंच ऊपर तक आना चाहिए। सो नाउ इट्स रेडी टू सर्व।